दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग UPI को यूज़ करते हैं किसी को मनी सेंड करने के लिए, किसी का मनी रिसीव करने के लिए, या फिर किसी बैंक अकाउंट पर मनी ट्रांसफ़र करने के लिए। दोस्तों, ऐसे में जो ये सारे प्रोसेस है किसी एप्लीकेशन के थ्रू होता है, जैसे कि गूगल पे हो गया, फ़ोन पे, पेटीएम या फिर भीम UPI एप्लीकेशन के थ्रू ये जो सारे प्रोसेस किया जाता है। तो इसके सिवा भी आप UPI को ऑफलाइन पर भी यूज़ कर सकते हैं। ऑफलाइन मतलब कोई नेट के बिना, मतलब किसी एप्लीकेशन को यूज़ ना करते जो UPI को यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे ऑफलाइन पर UPI को यूज़ करते, तो आज का ये जो वीडियो है इसी टॉपिक पर है कि कैसे ऑफलाइन पर UPI को यूज़ करते हैं। तो भाई चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते और देखते कैसे ऑफलाइन पर UPI को यूज़ करते हैं। UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस दुनिया का एक लौता पेमेंट इंटरफेस है जहां पर आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पर ही पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, UPI को ऑफलाइन पर यूज़ करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहले क्या है, आपको जो है भीम UPI एप्लीकेशन पर रजिस्टर होना चाहिए, और अगर पहले से आप रजिस्टर है तो आप इस ऑफलाइन मोड को आप यूज़ कर सकते हैं। तो रजिस्टर करने के लिए क्या है, आपको जो है सबसे पहले भीम UPI एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से। तो दोस्तों, डाउनलोड करने के बाद सिंपल सा जो गूगल पे हो गया या फिर फोन पे हो गया, पेटीएम, इस जैसे आप जो है लॉगिन करते हैं, मतलब आप रजिस्टर करते हैं उन एप्लीकेशन पर, ऐसे ही आप जो है भीम UPI एप्लीकेशन पर भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो रजिस्टर करने के बाद आपके जो बैंक को आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, उसके साथ साथ आपको जो है यहाँ पर बैंक पर जो है UPI पिन सेट होना चाहिए। और अगर आपके पास जियो सिम कार्ड होता है तो आप इस ऑफलाइन मोड को यूज़ अभी नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको एक वोडाफोन हो गया या फिर आइडिया और यहाँ पर एयरटेल का सिम कार्ड अगर आपके पास है तो आप इस ऑफलाइन मोड को यूज़ कर सकते हैं। तो भीम UPI एप्लीकेशन पर रजिस्टर और बैंक अकाउंट ऐड करने के बाद *99# आपको यहाँ पर डायल करना पड़ेगा। तो डायल करने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा सेंड मनी, रिसीव मनी, यहाँ पर चेक बैलेंस, यहाँ पर प्रोफाइल और भी बहुत सारे जो ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर में यहाँ पर आपको जो है एक मनी सेंड करके यहाँ पर दिखाता हूँ। दोस्तों, मैं सेंड मनी पर यहाँ पर सेलेक्ट करके दोस्तों सेंड पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आपको दोस्तों देखने को मिलेगा यहाँ पर मोबाइल नंबर, UPI ID, यहाँ पर आपको जो है सेव्ड बेनिफिशियरी, मतलब बेनिफिशियरी के बारे में मैं आपको वीडियो के आगे बताता हूँ। और यहाँ पर आपको दोस्तों जो है बैंक अकाउंट पर भी आप यहाँ से जो है मनी सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को UPI ID को यूज़ करते हुए यहाँ पर दोस्तों एक मनी सेंड करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर UPI ID को मैं सेलेक्ट करता हूँ, मतलब 3 यहाँ पर टाइप करके सेंड करता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों UPI ID टाइप करने का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों UPI ID को टाइप करना है। तो UPI ID टाइप करने के बाद यहाँ पर सेंड पर क्लिक करता हूँ। तो अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मेरा नाम भी आ चुका है, मतलब मेरा UPI ID मैंने यहाँ पर डाला था, तो यहाँ पर मेरा नाम भी आ चुका है। तो अभी दोस्तों यहाँ पर अमाउंट को टाइप करना है। तो अमाउंट को टाइप करने के बाद यहाँ पर मैं दोस्तों सेंड पर करता था। तो यहाँ पर मैं 1 रुपया यहाँ पर सेंड करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो सेंड पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दोस्तों एक रिमार्क देना है। तो अगर आप नहीं देना चाहते तो यहाँ पर एक पेस करके, मतलब एक से जो है यहाँ पर स्किप हो जाएगा, तो एक पेस करके यहाँ पर सेंड पर क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ नहीं लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं एक टाइप करके सेंड पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा UPI ID और यहाँ पर कितना अमाउंट आप यहाँ पर सेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेरा UPI ID यहाँ पर शो रहा है और यहाँ पर मैं 1 रुपया सेंड कर रहा हूँ। भीम UPI एप्लीकेशन पर जो बाय डिफॉल्ट बैंक अकाउंट यहाँ पर सेट है, उसी बैंक अकाउंट से जो है आपके मनी यहाँ पर डिडक्ट होगा, मतलब उसी बैंक अकाउंट के UPI पिन आपको यहाँ पर डालना है। तो UPI पिन डालने के बाद आपको यहाँ पर सेंड पर क्लिक कर देना है। तो सेंड पर क्लिक करते ही आपके जो पेमेंट है यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा, कुछ इस तरह से आपको जो है सामने मैसेज आ जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आप आपके जो भीम UPI एप्लीकेशन के थ्रू आप जो है UPI को जैसे ऑफलाइन पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक स्मार्टफोन पर दिखाया, तो आप चाहे तो छोटे फ़ोन पर भी ये जो सेम ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो भीम UPI ऑफलाइन पर यूज़ हो रहा है ये उसी बैंक अकाउंट से आपके जो है यूज़ होगा जो बैंक अकाउंट आपके भीम UPI एप्लीकेशन पर बाई डिफ़ॉल्ट सेट होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है पेटीएम पेमेंट बैंक देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये जो पेटीएम पेमेंट बैंक है मेरा भीम UPI एप्लीकेशन पर बाई डिफ़ॉल्ट सेट है। दोस्तों, ऐसे ही UPI को ऑफलाइन पर यूज़ किया जा सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दें। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।